पूर्णिया के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बड़े ही धूमधाम के साथ ब्लेसिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर शिक्षकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही कई कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन पीयूष अग्रवाल ने बताया कि पहली बार विद्यालय के बच्चे 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से होती है और इस तरह से के कार्यक्रम से बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है। पूर्णिया ने आज ब्लेसिंग डे सेरेमनी का आयोजन किया है अपने प्रांगण में। हमारे बच्चे परसों से बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जीडी गोयनका का पहला बैच है और किसी भी शुभ कार्यक्रम को करने के पहले भारतीय संस्कृति कहती है कि बड़े का, अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का, गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी आशय को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने आज ब्लेसिंग डे सेरेमनी आयोजित किया है। इसमें हमारे सभी टीचर बंधु, मैनेजमेंट के लोग ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके एग्जाम में कामयाबी के लिए उनको शुभकामना दी गई। मैं आशा करता हूं कि हमारे स्कूल के बच्चे एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ आने वाले भविष्य में ऑल इंडिया रैंक में अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर दर्ज कराएंगे। आज ब्लेसिंग सेरेमनी था जीडी गोयनका पूर्णिया में। हमारे स्कूल का, स्कूल में आज 50 बच्चे, मतलब 50 बच्चे का बैच है और हम सारे बच्चों पर बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट हमारे स्कूल को देने जा रहे हैं। बचपन से इन बच्चों को अभिभावक बड़ा करते हैं आज के दिन, के दिन का सपना लेकर। ये पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है बच्चों का और इस बार CBSE की नई पॉलिसी के तहत बच्चों को दो बार चांस मिल रहा है बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। एक टर्म वन का बोर्ड एग्जामिनेशन और दूसरा मार्च में होगा टर्म टू का। स्कूल ने ब्लेसिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है और आगे भी हम इस तरह के ब्लेसिंग सेरेमनीज ऑर्गेनाइज इनके लिए करते रहेंगे और समय समय पे इन बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। मेरे बेस्ट विशेस पेरेंट्स को, स्कूल को, टीचर्स को और इन सभी बच्चों को।